हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास सिक्स साइंस लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स, उसमें लास्ट में हमने देखा था कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में कौन सा हैबिटेट आता है। डेजर्ट जो हमने पढ़ा था, डेजर्ट में एनिमल्स प्लांट्स उनका सर्वाइवल कैसे होता है, कैसे उनका हैबिटेट है। एनिमल्स लाइक रैट्स एंड स्नेक्स और प्लांट्स लाइक कैक्टस कैसे ग्रो होते हैं डेजर्ट में, कैसे रहते हैं डेजर्ट में। उसके बाद आता है माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन्स में प्लांट्स और एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट कैसा होता है। तो दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। इन सम एरियाज स्नोफॉल में टेक प्लेस इन विंटर्स। तो ये जो हैबिटेट है, ये यहाँ पे मौसम हमेशा ठंडा और विंडी रहता है, मतलब हवा चलती रहती है, और कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी होती है विंटर्स में, जैसे कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पे ये सारे क्या है, माउंटेन रीजन्स हैं। यहाँ पे बर्फ़ भी होती है विंटर्स में। देर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। हैव यू सीन द काइंड ऑफ ट्रीज। तो माउंटेन रीजन्स में बहुत सारी वेराइटीज़ होती है प्लांट्स और एनिमल्स की। यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, क्या उन आपने उनकी काइंड देखी है, वो कैसे होते हैं। इफ़ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन और हैव विजिटेड वन, यू मे हैव सीन ए लार्ज नंबर ऑफ सच ट्रीज, बट हैव यू एवर नोटिस सच ट्रीज नेचुरली ग्रोइंग इन अदर रीजन्स। तो माउंटेन रीजन में नॉर्मली ट्रीज कैसे होते हैं, ये फिगर दिखाई है आपको 9.6। यहाँ पे नॉर्मली इस टाइप के ही प्लांट्स या ट्रीज होते हैं। अगर आप माउंटेन रीजन्स में रहते हो या आपने कभी माउंटेन रीजन विज़िट किया है, तो आप देखोगे ऐसे इस टाइप के ट्रीज़ बहुत सारे होते हैं। तो इस टाइप के ट्रीज़ आपने कहीं और देखे हैं किसी और रीजन में? हाउ आर दीज ट्रीज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस प्रिवेलिंग इन देयर हैबिटेट। दीज ट्रीज़ आर नॉर्मली कोन शेप्ड एंड हैव स्लोपिंग ब्रांचेस। तो इन ट्रीज़ के कैसी शेप होती है, कोन जैसी शेप होती है और स्लोपिंग ब्रांचेज होती है। वो क्यों होती है कि जब बर्फ़ पड़ती है तो वो इस पर जमती नहीं है। जैसे माउंटेन रीजन्स में घरों के छत होते हैं, वो भी स्लोपी होते हैं, उनकी भी कोन शेप्ड होती है, वैसे ही ट्रीज़ की भी होती है। द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज़ आर नीडल लाइक ट्रीज़ होती हैं। इसकी सुई जैसे जो लीव्स होते हैं इनके, दिस हेल्प्स द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ ईजली। इससे क्या होता है, जब बारिश होती है या बर्फ़ होती है तो वो आराम से नीचे गिर जाती है, नहीं तो वो पेड़ के ऊपर ही रह जाएगी। देयर कुड बी ट्रीज विद शेप्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन माउंटेन। दे मे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन टू सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। बहुत सारे ऐसे अलग ट्रीज होंगे जिनकी शेप्स डिफरेंट होंगी एक दूसरे से, जो कि माउंटेन्स में प्रेजेंट होते हैं। इनकी अडेप्टेशन अलग होती है, इनकी इनका सर्वाइव करने का तरीका अलग होता है। एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स आर ऑल्सो अडेप्टेड टू द कंडीशंस देयर। जानवर जो आपने माउंटेन रीजन्स में देखे होंगे, वो उनकी स्किन थोड़ी मोटी होती है, उनके स्किन पे फर लगी होती है। वो क्यों होता है, ताकि वो ठंड से बच सके। फॉर एग्ज़ाम्पल यॉर्क्स होते हैं, स्नो लेपर्ड होते हैं, उनकी बॉडी पे फर होता है, उनकी स्किन थोड़ी थिक होती है ताकि ठंड से बच सके। इनके पैरों में थिक स्किन होती है, टोज में थिक स्किन होती है, तो दे हैव थिक स्किन टू और फर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। फॉर एग्जांपल यॉर्क्स हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। स्नो लेपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। दिस प्रोटेक्ट्स इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन द स्नो। तो स्नो लेपर्ड जब बर्फ़ पे चलता है तो इसको उतनी ठंड नहीं लगती है, ताकि क्योंकि इसके फीट्स में क्या हो, इसके फीट और टोज में क्या होती है, फर होती है, थिक फर होती है। द माउंटेन गोट हैज स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। तो उनकी जो पैर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं माउंटेन गोट्स के, ताकि वो पहाड़ों पर चढ़ सकें। एज वी गो अप इन द माउंटेनियस रीजन द सराउंडिंग्स चेंज एंड वी सी डिफरेंट काइंड ऑफ अडेप्टेशन एट डिफरेंट हाइट्स। ये फिगर में आप देख रहे हो, स्नो लेपर्ड है, यॉर्क है, फिर माउंटेन गोट है, जो कि इन रीजन्स में रहने के लिए अडेप्टेड होते हैं। तो जैसे जैसे आप माउंटेन रीजन्स में ऊपर जाओगे, वैसे वैसे इनका अडेप्टेशन चेंज होता है, इनका हैबिटेट चेंज हो जाता है। तो ये है माउंटेन रीजन्स का हैबिटेट।
उसके बाद हम देखेंगे ग्रासलैंड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।